नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं हम आज आपका एक और नई वीडियो में वापस से। तुनवाल कंपनी ने अपना एक और नया मॉडल लॉन्च कर दिया है और लॉन्च होते ही हम आपके पास ले आए हैं उसका रिव्यू, वो भी सबसे पहले। तो आज हम करेंगे उस मॉडल का रिव्यू, हम देखते हैं उस स्कूटी को, आप भी देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये है वो स्कूटर जो तुनवाल ने किया है हाल ही में लॉन्च, अब करते हैं इसका रिव्यू। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस स्कूटर से इंट्रोड्यूस करा देना चाहूँगा। जो स्कूटर है इसमें चार कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये हमारे पास ब्लैक कलर है, एक इसमें वाइट, एक रेड और एक ब्लू कलर ऑप्शन और आपको मिल जाएगा। तो जो स्कूटर है वो आपको तुनवाल कंपनी की तरफ से मिलेगा, अल्फा प्रो मॉडल जो 2021 में लॉन्च हुआ है। तो जो लुक्स हैं वो कंपनी ने काफ़ी हद तक ये कोशिश की है कि स्कूटर को स्टाइलिश रखा जाए, जो आजकल के यूथ के साथ कंपेटेबल रहे। अगर आप इसके एप्रन पे ध्यान दें तो जो इसकी हेडलैम्प है वो आपकी नज़र ज़रूर अपनी तरफ खींच लेगी। और अगर आप इसकी लाइट पे ध्यान दें तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि जो इसका लाइट का डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक किया गया है, काफ़ी यूनिक फैक्टर में रखा गया है, जिसको आपको समझ में आएगा कि इंट्रोड्यूस करने के लिए भी ना हमें कोई नाम मिला है, आपको अगर इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर कोई नाम मिले तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद इसका अट्रैक्टिव लुकिंग वाइज़र इस पूरे स्कूटर के ही लुक्स को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। पूरे स्कूटर अट्रैक्टिव होने के कारण ये यूथ को काफ़ी पसंद आता है। अगर आप इसके हैंडल पे ध्यान दें तो आपको जो इसका हैंडल है वो काफ़ी अच्छा खासा चौड़ा मिल जाता है, और ये जो नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर होते हैं सेम वैसा ही आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जिसमें लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो आपको एक हॉर्न, साथ में एक लाइट का अपर डिपर का स्विच और एक इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा। और उसी के फिर दूसरी अपोजिट साइड राइट साइड अगर आप देखें तो आपको एक लाइट का स्विच, थ्री स्पीड गियर और एक ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाएगा। थ्री स्पीड गियर की हम बात करेंगे अब आगे, तो फिलहाल उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको इसके गियर से रिलेटेड जो मोड्स हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और जो बैटरी के बॉक्सेस हैं, बैटरी कितनी बची हुई है उससे रिलेटेड, और ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें आपको 70% फाइबर और 30% मेटल और स्टेनलेस स्टील का काम दिया गया है, जिसमें इसकी एसेसरी किट भी शामिल है। और जो इसका फाइबर क्वालिटी है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो तुनवाल है वो अपने रेट में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है पर अपने स्कूटर्स में कभी नहीं। और अगर हम बात करें और स्कूटर्स की, जैसे हीरो और ये ओरेवा, जिनके मडगार्ड भी इतने क्वालिटी के आते हैं कि जो मतलब आप हल्की सी ठोकर कहीं भी लग जाए तो मडगार्ड 2 सेकंड में ही टूट जाते हैं, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। तुनवाल टॉप क्वालिटी का फाइबर आपको प्रोवाइड करता है अपने स्कूटर के साथ। और बाकी अगर आप देखें तो ये लुक और क्वालिटी तो ऐसी चीज़ हैं, जैसे कोई और जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है वो ज़्यादा प्राइस बढ़ाकर अपने स्कूटर्स का, वो आपको क्वालिटी और लुक तो प्रोवाइड कर सकता है, पर सेफ्टी फीचर्स जो तुनवाल हमको देता है अपने ही प्राइस रेंज में, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने ओवर 50+ कंपनीज़ अब तक एक्सप्लोर कर ली हैं जो इलेक्ट्रिक की हैं, उनमें मेरे को सिर्फ तुनवाल एक ऐसी कंपनी दिखी है जो अपने ही प्राइस रेंज में एसेसरी फुल किट में प्रोवाइड करके देता है, जो पूरी स्कूटी को पूरी कवर कर देती हैं। और जो ये है आपकी स्कूटी को तो प्रोटेक्शन देता ही देता है, साथ में आपको भी पूरा प्रोटेक्शन देता है। बाकी और जो कॉमन चीज़ें हैं वो अगर आप इसमें देखें, जैसे जो फ्रंट और बैक दोनों ही आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, और फ्रंट और बैक दोनों ही 10 इंच के ट्यूबलेस टायर्स, और साथ ही में फ्रंट हेडलैम्प और टेल लैम्प आपको LED मिलेंगे। ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको इसमें मिलेंगी। और बाकी अगर आप 60 वोल्ट के सेगमेंट में इस स्कूटी को देखें तो स्कूटी काफ़ी स्पेशियस बनाई गई है। आप देखें जो फ्रंट में फुटबोर्ड है उसमें आप आराम से एक सिलेंडर कैरी कर सकते हैं, और साथ ही में जो इसमें एसेसरी लगाई गई हैं उसमें दोनों साइड पिलियन के लिए फुटरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, जो काफ़ी कम्फर्टेबल भी रहते हैं पिलियन के लिए। साथ ही में जो पीछे आप ग्रैब हैंडल कह सकते हैं, इसका बड़ा सा जो कैरियल भी कह सकते हैं आप, उसमें काफ़ी स्पेस दिया गया है कोई चीज़ रखने का, या कोई भी कुछ ऐसे लुक कह सकते हैं आप, एसेसरी के साथ ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल ये काफ़ी स्कूटी स्पेशियस है। साथ ही में आगे जो कॉकपिट है उसमें आपको 2 ओपन ग्लव बॉक्स मिल जाएंगे, और बीच में उनके एक सामान टांगने के लिए हुक भी मिल जाएगा। और जो बूट स्पेस है इसका, उसमें भी आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाएगी। आप अपने जो इसका चार्जर है उसके साथ
एक हाफ फेस का हेलमेट भी कैरी कर सकते हैं। अब जो मेन है स्कूटी का पावर ट्रेन, हम उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि जो लुक्स हैं, सेफ्टी फीचर, सारी चीज़ हैं, उनकी जानकारी आपने ले ली है। अब आपको ज़रूरत है इसके पावर ट्रेन के बारे में जानने की। स्कूटर में 12 वोल्ट की 5 बैटरी आती हैं, जो 60 वोल्ट में स्कूटर को बना देता है, और 60 वोल्ट की कंटिन्यूटी के साथ बैटरी की, और एक 550 से 650 वाट तक की मोटर इसको इंस्टेंट पिकअप देती है, और बैटरी और मोटर की कंटिन्यूटी के साथ ये आपको 70 से 80 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करता है, और साथ ही में जो मोटर है वो इनिशियल पिकअप के साथ आपको 50 तक की स्पीड भी प्रोवाइड करती है। साथ में इसमें आपको 3 स्पीड गियर भी प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप पहले पे कर देते हैं तो आपको ये जो स्पीड है वो 25 तक की प्रोवाइड करेगी, और जो दूसरा मोड है उसमें, जो इसका इको मोड कह सकते हैं आप एक तरह से, 30-35 की स्पीड प्रोवाइड करेगी, और साथ में जो रेंज है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। जो तीसरा मोड है उसमें जो रेंज है वो आपकी थोड़ी सी घट जाएगी, पर आपकी स्पीड ये 50 तक हो जाएगी। अब ये थी हमारी आज की वीडियो इस अल्फा प्रो मॉडल के बारे में, जो तुनवाल ने नया लॉन्च किया है। अगर इस स्कूटर से रिलेटेड या तुनवाल के डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है अभी माइंड में आपके, या कोई भी आपको दिक्कत आती है कोई भी तुनवाल से रिलेटेड, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, कोई भी आप जानकारी, कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी तुनवाल इलेक्ट्रिक स्कूटर से लेकर, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम।